क्या होता अगर शार्क टैंक इंडिया नहीं आता? शायद जुगाड़ू कमलेश एंटरप्रेन्योर बनने के बजाय जुगाड़ करने में बिजी रहते। शार्क टैंक इंडिया मंच नहीं, मौका है। उम्मीदों की खिड़की नहीं, अपने सपनों की दुनिया से हकीकत में कदम रखने का दरवाजा है, और वो दरवाजा इस सीजन में आज एक बार फिर खुल रहा है। Did you know around 23,000 entries में से चुने गए सिर्फ 4 pitches, जो यहाँ अपने बिजनेस को शास्त्र सामने प्रेजेंट करेंगे। मेरा नाम कृष्णव है, उम्र 22 साल। पहला वेंचर मैंने 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था अपने स्कूल से ही, और ये दूसरा वेंचर है जो मैं आज शार्क टैंक में लेकर आया हूँ। हम लेकर आए हैं स्टोर माई गुड्स, जो की एक टेक इनेबल्ड वन स्टॉप स्टोरेज सोल्यूशन है, जहाँ पर कोई भी कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी स्टोरेज सर्विसेज ले सकता है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। देवनागरी एक AI पावर्ड ह्यूमन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंच क्राउन, इंडियाज फर्स्ट फास्ट फैशन ब्रांड इन मेंसवेयर कैटेगरी विद 0 डेड स्टॉक। और जिनका बिजनेस होगा बेस्ट, इसमें शार्क्स करेंगे इन्वेस्ट। तो इस स्पेशल एपिसोड में पिचेस, जिन 5 शार्क्स के सामने अपना बिजनेस पिच करने वाले हैं, वो है शार्क पीयूष बंसल, शार्क विनीता सिंह, शार्क अनुपम मित्तल, शार्क नमिता थापर और शार्क अमन गुप्ता। स्नीकूल सेम आपके सप्लायर से जाके खरीद सकता हूँ, डिफरेंशिएशन तो नहीं है। आपके कंपेटिटर्स कितने हैं इंडिया में आज की तारीख? अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक सर्विसेज बिजनेस है। अब सर्विस एग्जैक्टली क्या सर्विस है वो मैं क्लियर नहीं हूँ। फैशन बिजनेस एज अ कैटेगरी में 2-3x मल्टीपल से ज्यादा मिलता नहीं है। हेलो शार्क्स, मेरा नाम कृष्णव है, उम्र 22 साल, बोर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, और काम करने में मेरे को बहुत मजा आता है। तो शार्क्स, पहला वेंचर मैंने 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था अपने स्कूल से ही, और ये दूसरा वेंचर है जो मैं आज शार्क टैंक में लेकर आया हूँ। तो आप सबने तो सुना ही होगा, जैसे हर घर की पहचान उसके टॉयलेट या बाथरूम से होती है, उसी तरीके से हर इंसान की पहचान उनके जूतों से होती है। तो इसीलिए हम हमारा ब्रांड प्रेजेंट कर रहे हैं स्नीकर। स्नीकर एक ऐसा ब्रांड है जो आपको कंप्लीट शू केयर और स्टोरेज सॉल्यूशन ऑफर करता है, चाहे शू 50,000 का हो या 5,000 का, हमारे पास है हर समस्या का समाधान। तो शार्क्स, मैं मांगता हूँ 20 लाख रुपए इन एक्सचेंज ऑफ 5% इक्विटी ऑफ अ कंपनी। तो कौन कौन रेडी है इस शू इंडस्ट्री को एलिवेट करने के लिए और शू केयर इंडस्ट्री में बच्चन बनने के लिए? अरे वाह, क्या इंट्रो है। थैंक यू कृष्णव। यस, वेलकम टू दिस वेरी वेरी स्पेशल एपिसोड ऑफ शार्क टैंक। थैंक यू। आप ये बताएं, आपने कहा कि आपने 17 साल की उम्र में एक बिजनेस शुरू किया, तो ये प्रेरणा कहाँ से आई और क्या हुआ उस बिजनेस का? मैं मॉडर्न स्कूल बाराखंबा से पास आउट हूँ। हमारे स्कूल के अंदर 12th में जब फेयरवेल होता है ना, तो पूरा 12th का बैच कपड़े बनवाता है नए अपने। अच्छा जी। तो हमारे सीनियर वो अरेंज नहीं कर पा रहे थे मटेरियल अच्छी क्वालिटी का, तो मैंने उनको कहा आप मुझे 2 दिन दो, मैं कोशिश करता हूँ अगर हो पाए। तो यहाँ से वो शुरू हुआ। ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर था, तो मैंने 550 हुडीज का कंप्लीट किया था, उसमें हमने 10,000 या 15,000 रुपये कमाए थे मैंने। धीरे धीरे क्वालिटी अच्छी लगी हर किसी को, तो DPS, Springdale's, काफी स्कूल्स के मैंने 2-3 साल ये काम किया। टेली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का 2019 तक 80% सोसाइटीज के कपड़े मैं ही बनाकर दे रहा था। फिर उसके बाद 2020 में लॉकडाउन आ गया, तो वो बिजनेस बिल्कुल बंद हो गया। कितना बड़ा हो गया था वो बिजनेस? 1,80,000, 1.2 लाख में एक महीने के कमा रहा था। तो मतलब साल के 10-12 लाख, फिर 18-19 साल की उम्र में। यस, वेरी नाइस। और फिर आप ग्रेजुएट कहाँ से हुए? वहीं से। ग्रेजुएट अभी भी मैं कॉलेज में हूँ, 3rd ईयर दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या पढ़ाई कर रहे हो? BCOM ऑनर्स, और मेरे 3 महीने में खत्म होने वाला है कॉलेज। लेकिन अभी भी आपको बेचैनी है कि एग्जाम आ रहे हैं 3 महीने में, लेकिन मैं बैठूंगा नहीं, कुछ ना कुछ धंधा बनाऊंगा। एग्जाम भी बिजनेस स्टडीज है, अकाउंटिंग है, वो हम इसके अंदर भी करते ही हैं रोज। कमाल है यार। मैं पूरा हफ्ता ये बेचता हूँ और संडे को अकाउंटिंग करता हूँ सारी, तो हो जाता है। एग्जाम आते हैं तो 1 या 2 हफ्ते पहले पढ़ लेते हैं। ये ख्याल कैसे आया आपको? लॉकडाउन में 2020 में मैंने अपने फ्रेंड्स को कॉल किया कि जॉगिंग करते हैं या साइकिलिंग करते हैं,
जिसको फोन करो सब कहते हैं सुबह हम तो नाइकी पे स्नीकर खरीद रहे हैं, हम एडिडास पे स्नीकर खरीद रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पाया कि ये हो क्या रहा है, कोई फिटनेस की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, जूते खरीदता जा रहा है। एक दिन मैंने अपने फ्रेंड को कहा कि यार घर पे आ, मेरे को समझा ये क्या है। उसने मुझे इंस्टाग्राम दिखाया, उसने पेजेस दिखाए कि इस तरीके से रीसेलिंग होती है, जिसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो एक दो महीने ये मार्केट देखी कि है क्या, और फिर थोड़ा मैंने देखा गूगल पे फोटोज देखी, तो समझ आया कि केयर और एक्सेसरीज का काम भी बहुत बड़ा है। अच्छा। इंडिया से बाहर, क्योंकि जब इतने एक्सपेंसिव हम शूज खरीद रहे हैं तो उनको स्टोर, ऑर्गेनाइज और डिस्प्ले भी करना हर कोई पसंद करेगा, तभी से स्नीकर की शुरुआत हुई। ग्रेट नेम बाय द वे, लव द ब्रांड। क्या क्या बेचते हैं आप? These are the crates, ये हमारा hot selling product है। शुरुआत हमने इन्हीं से ही करी थी, 250 crates से। अरे वाह। This is a DIY crate, you can assemble it according to the instructions। तो ये IKEA में नहीं मिलता? No। IKEA में मिलता है babies के लिए, लेकिन baby toys के लिए। Yes। वो तो फोड़ देगा shoes शुरू करेगा। आप इसके अंदर ऊपर खड़े हो सकते हो। I can challenge that। यहाँ पे और यहाँ पे पैर रख सकते हो, टूटेगा नहीं है। यस यस, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। यार कमाल करते हैं। I am here। बहुत बड़ी लायबिलिटी है शार्क को, अगर गिरना शार्क को चोट पहुंच गई तो कितने पैसे लोगे सोनी भाई। यहाँ अब थोड़ा डांस करो, डिस्को दीवाने। ठीक है वजन, लेकिन यहाँ खड़े होने से टूट जाएगा बीच में, बिकॉज सपोर्ट नहीं है बीच में, तो ये क्या कुछ भी टूट जाएगा। स्टोरेज के अलावा आप क्लीनर्स भी भेजते हैं? अभी हमने स्टार्ट किया है। और तो next... दो कैटेगरीज है, स्टोरेज, केयर एंड प्रोटेक्ट। ओके, स्टोरेज की नीड, जैसे मैं भी स्नीकर खरीदता हूँ, मेरे को वो आते हैं क्लॉथ वगैरह, उसमें डाल के उसके डब्बे संभाल के रख के उसी में डाल देते हैं। जूते खरीदता है ना, उनको मन से बहुत प्यार है, तो वो सुबह उठते हैं ना अपने रूम के सामने, देखते वॉल लगी हुई है जूतों की, दे कैन सिलेक्ट व्हाट दे वांट टू चूज। आप अगर बैग में रखेंगे तो आप खोलेंगे इसमें कौन सा है, उसमें कौन सा है। बात सही है, लेकिन वो छोटी मार्केट नहीं है, मैं इसलिए जानता हूँ। 2 years बैक में दुबई में गया था, तो एक फ्रेंड ने घर पे पार्टी के लिए बुलाया, तो एज सून एज वी एंटर्ड, लेफ्ट साइड में एक पूरी दीवार थी, सिर्फ स्नीकर सजा के रखे थे। मतलब हमारे 50 से भी ऐसे कस्टमर्स हैं जिनकी हमने पूरी वॉल बनाई हुई है दिल्ली के अंदर। हाँ, अमेजिंग। तो ये देखा हुआ है मैंने। मैं आपको कुछ और प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ अगर आप अलाउ करेंगे तो। हाँ जी बिल्कुल। दीज आर स्पॉन्ज और ये वाइप्स। तो ये आप चाइना में बना रहे हो सब कुछ? यस। एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरिंग है कि आप ट्रेडर से लेते हो? मैम वी परचेज फ्रॉम फैक्ट्री, क्योंकि अभी हमारा एम है मार्केट एस्टैब्लिश करना और ब्रांडिंग करना। जब ब्रांडिंग हो जाएगी, सेल्स आने लगेंगी अच्छी वॉल्यूम पे, उसके बाद हम अपना मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एंड क्लीनर्स के लिए वी आर ऑल सेट टू लॉन्च आवर ओन इंडियन क्लीनर्स। तो इतना महंगा क्यों है सब, लाइक 1000 MRP है वो, प्राइसेस सेल प्राइस उतना नहीं है। दिस इज अ सोल गार्ड, ये आपके शू के सोल के नीचे लग जाएगा इस तरीके से। तो आप जब चलेंगे ना, बॉटम पे कुछ भी नहीं लग रहा, यू कैन इजीली पील इट ऑफ लाइक दिस, और आपका सोल वापस ड्यू। वाओ वाओ, दैट्स ग्रेट। बट दिस इज गुड फॉर एक्सपेंसिव शूज ना, ताकि आप उसको रीसेल कर सकें। पीपल बाय ज़ारा शूज एंड अप्लाई दिस ऑन देम एज वेल। ये आपका खुद का इनोवेशन है कि मार्केट में मिलता है? मार्केट में मिलता था, हमने अपने ब्रांड में लॉन्च किया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने लास्ट वीक की स्नीकर्स के लिए ये स्नीक क्लीन करके कोई एक ब्रांड है, ओके, उसका ऑनलाइन मैंने अमेज़न से ही खरीदा है। सेम वाइप्स मिल रहे थे, 599 का अमेज़न में आया, उसमें 20 वाइप्स आए थे। हमारा 500 की 24 है। वेरी गुड। आप ये सब खुद अकेले करते हैं? जी, सिंगल वन मैन आर्मी है। आई हैव 4 मोर पीपल, बट वो टीम है मेरी, बट मैं फाउंडर मैं हूँ। आपने सब घर से करते हैं आप? ये लॉकडाउन में घर से किया था, खुद ही पैकिंग करी थी, खुद ही टेप लगाई है मैंने 250 डब्बों पे जब मैंने सेल स्टार्ट करी थी। अब वी हैव 2 वेयरहाउसेस एंड 1 ऑफिस। एंड यू आर 22 इयर्स ओल्ड? अभी आई एम 22। अमेजिंग ना? अमेजिंग, सुपर्ब। आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अब द नेक्स्ट रेवोल्यूशन आप जो कह रहे हो वो ये है कि लोग अपने स्नीकर ऐसे उसके अंदर रखेंगे। Yes, अभी तक हमने 8 महीने में 7000 बॉक्सेस बेच दिए हैं, 7000 क्रेट्स वी हैव ऑलरेडी सोल्ड इन इंडिया। और ये नहीं कि आपको वॉल बनानी है, ऐसे भी लोग हैं जो 2 भी खरीदते हैं शौक के लिए, जो 5 भी खरीदते हैं। एक क्रेट का क्या प्राइस है? हमारे पास 2 वेरिएंट्स हैं, एक है फ्रंट ड्रॉप, एक है साइड ड्रॉप। ये साइड ड्रॉप है अभी, इसके अंदर आपको शू साइड से दिख रहा है, पूरा दिख रहा है। ये 1200 रुपीज का रिटेल होता है, और अभी हमारे पास हमारी वेबसाइट पे 55% कस्टमर रिटेंशन रेट है। बेसिकली
अभी सेल चल रहा है कुछ 10 लाख रुपए महीने का। नहीं, हमने इसको किसी ट्रेडर को भी बेचे थे जिन्होंने आगे हमारे ब्रांड से बेचे थे, तो अभी हमने टिल डेट 50 लाख का बिजनेस किया है पिछले 8 महीने में। तो 6-7 लाख का चल रहा है महीने, सिर्फ 4 प्रोडक्ट से। तो 6-7 लाख रुपए का महीने का सेल चल रहा है और 80% ऑफ इट ये डब्बों से आ रहा है। 65% कितना D2C आ रहा है और कितना ये ट्रेडर? 100% फ्रॉम माय वेबसाइट। 100% योर वेबसाइट। 6-7 लाख रुपए आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आता है, मार्केटिंग करते हैं? सिर्फ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। मेरी मार्केटिंग का स्टार्ट जो किया था ना, एक बॉक्स किसी को फ्री भेजा था मैंने, उसके बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरी वेबसाइट पे कोई ऑर्डर ना आया। 7 लाख की सेल विद जीरो मार्केटिंग है। 25,000 से 20,000 रुपए मार्केटिंग करी थी इन्फ्लुएंसर। अमेजिंग, सुपर, वेरी इंप्रेसिव। बेसिकली वी डू बाटा कोलैबोरेशंस। आप पक्का 22 है ना? हाँ जी मैम, 22 है। लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? 7 लाख। 7 लाख, यस। तो चलिए मैं आपको ऑफर देती हूँ। ओहो, अरे वाह। मुझे लगता था मैंने 23 पे बिजनेस स्टार्ट करके मैंने बहुत कुछ फोड़ा है, बट आप तो 22 पे अपने सेकंड बिजनेस पे हो। बहुत ही अमेजिंग ब्रांड नेम एंड लोगो, ये आपने खुद बनाया? यस। तो कृष्णा मैं आपको एक ऑफर देती हूँ, चलिए 20 लाख फॉर 20%, तो आपकी वैल्यूएशन हो जाती है 1 करोड़। That's my offer. Krishna, मैं तुम्हें एक ऑफर देती हूँ। तो हमने एक स्नीकर कंपनी में इन्वेस्ट किया है, फाइंड योर किक्स। तो ये एक नेचुरल एक्सटेंशन है, राइट? लाइक नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ अ स्नीकर कंपनी। तो इसलिए मुझे इसमें बहुत इंटरेस्ट है। मैं आपको दूंगी 20 लाख फॉर 15%। तो ठीक है, नमिता ने आपको 15% किया है, मैं उनकी ऑफर मैच करती हूँ। So that's 20 lakhs for 15%. But आपका main product तो यही है ना, ये box? अभी ये है, पर अब cleaning kits भी बनने वाली है जिस तरीके। और ये box और भी लोग बेचते हैं market में? एक या दो competitor है, वो Indian product बेचते हैं, which is plastic. This is ABS. India में बिकेगा तो sneaker ही बिकेगा। अरे इसकी टेंशन नहीं है। इसकी गारंटी लेते हो? Yes. I think you're a phenomenal entrepreneur. इस कैटेगरी में शायद मुझे लगता है नमिता या विनीता आपकी मदद ज्यादा कर पाएं। तो एंड बिकॉज यू ऑलरेडी हैव एन ऑफर, आई एम आउट। इफ दे डिडंट गिव यू एन ऑफर, आई वुड हैव डेफिनेटली गिव। थैंक यू। थैंक्स पीयूष। आप दोनों के सर कोई ऑफर्स? इंडिया में अगर आपको लगने लगे कि ये मार्केट छोटी है, आप क्या स्नीकर्स के बारे में सोचेंगे कि क्या सोचेंगे? बेसिकली अभी हमारा जो विजन है, नेक्स्ट 5 ईयर्स का जो विजन है, सिर्फ इसको एक्सपेंसिव स्नीकर्स के लिए नहीं बनाना, तभी हम प्राइस पॉइंट इसी तरीके से मैनेज करेंगे वॉल्यूम आने के बाद, कि जो बंदा 5,000 का भी जूता खरीद रहा है उसके बजट में भी ये आना चाहिए, तभी वॉल्यूम इंक्रीज होगी, सो दैट वी कैन स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। और मैं बोलूँ कि कल मैं एक और ब्रांड खोलना चाहता हूँ, उसका नाम होगा स्नी कूल, और स्नी कूल सेम आपके सप्लायर से जाके खरीद सकता हूँ। डिफरेंशिएशन तो नहीं है, एक्सपर्टीज और नॉलेज, यही तो। जो मेरा विजन नहीं पहुँच पा रहा, शायद आप हेल्प करेंगे वहाँ पहुँचने में। सर, शू इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, छोटी नहीं है। मतलब अगर हम ये देखें कि शू एक क्लियर कर देते हैं, इसीलिए मैं आपको बार बार ये पूछ रहा हूँ, क्या आप शू इंडस्ट्री में घुसना चाहते हो? आप कहते हो ना। नहीं, तो हम शू इंडस्ट्री की बात ही छोड़ देते हैं। जी, हम शू केयर इंडस्ट्री की बात करते हैं। करेक्ट। उसके आपके पास आंकड़े नहीं है और वो आप समझा नहीं पा रहे हो कि वो कितनी बड़ी होगी, कैसे आप इसको बड़ा करोगे। तो आई एम फाइंडिंग इट चैलेंजिंग देयर। 5 साल में कितनी बड़ी कंपनी बना लोगे? 5 CR, 50 CR, कुछ भी हो सकता है सर, कुछ नहीं पता। गुड कमबैक सर। जब आपने shaadi.com स्टार्ट किया था, आप ही ने कहा था कि इंटरनेट नहीं था, यू हैड कन्विक्शन इन योरसेल्फ, आपको लगा कि मैं तो फोड़ूंगा ही फोड़ूंगा। बिल्कुल सेम, मार्केट दिख रही है, ग्रो हो रही है, इतनी जल्दी क्रेट्स को इंडिया ने एक्सेप्ट किया, जो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन वो कर लिया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से यूथ और 15 से 40 साल का बंदा इसको एक्सेप्ट कर रहा है ना, ये ग्रो करेगा, फॉर श्योर करेगा। याद है वो बैंड बाजा बारात, रणवीर सिंह एक बार कहता है कि बॉस, वो टायर इंडस्ट्री के लिए, कि आपने भी तो कहीं से स्टार्ट किया था अपनी लाइफ में, किसी को सपोर्ट किया था, तो आप हमें भी सपोर्ट किया। फिर उसको वो पहला ऑर्डर मिलता है वो शादी कराने का, राइट? So that is a good answer which you've given to him. तो आप जुड़ रहे हो ये ऑफर में? हाँ हाँ। तो ये फिर 2 ऑफर है, 3 ऑफर है, क्या है? मैं क्वेश्चन पूछ लूँ? Go ahead. तो आपने अभी तक कितना पैसा लगाया इसमें? मैंने अपना पर्सनल लगाया है इसके अंदर
18 लाख रुपए। 18 लाख पेरेंट्स ने दिए जो मैंने कमाए थे हुडीज वाले बिजनेस से वो जोड़े 5 लाख रुपए पेरेंट्स से लिए थे। नहीं गुड है यार, चलो फिर यू वांटेड टू टॉक राइट। मैं विनीता और अमन साथ में आएंगे। 21 लाख फॉर 15% सो दैट ईच पुट्स इन 7 लाख फॉर अ 5% स्टेक। चलो मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूँ। लव योर पैशन। थैंक यू। ये उम्र में आपने जो किया है लाजवाब। लेकिन आई थिंक यू हैव अ गुड ऑफर। यू कैन काउंटर और यू कैन नॉट काउंटर आल्सो। इतना किया, थोड़ा सा काउंटर आप ले लो। बताइए बताइए, आपका हक है। तो शार्क्स 21 लाख फॉर 12%। ओके चलो चलो डन। वाओ यू गॉट एन ऑफर। Thank you so much. Congratulations. Thank you so much, sir. Thank you. Congratulations. You'll go places. Yes. Thank you. Boss, before you go, I salute you, man. I know he's amazing. 22 साल की उम्र में मैं entrepreneurship की spelling भी नहीं जानता। So amazing. Hats off. Love your spirit. Thank you so much. Bye. Well done. यार इतनी maturity कहाँ से आती है इस age पे? I think kids have changed these days, yeah. Imagine, he, by the time he's 35, he would have spent 13 years in business. That's like... Incredible. Great guy, you guys will make money. Very nice. Yeah. Good deal. I'm in city of the world, yani Surat se aa rahe hain do aise heere, jinke paas family business join karne ka option to tha. Lekin inhone khud ka business shuru kiya. And aaj unka business apne family business se bhi zyada profitable hai. So you can imagine how awkward that family dinner table conversation is going to be. To aaiye milte hain in bhaiyon se, Ilesh and Bhavdeep Ghivaria. हाय शॉक्स, मैं हूं इलेश गेवरिया। मैं हूं बौद्धीप गेवरिया। हम दोनों भाई आए हैं सूरत गुजरात से। सर आपको पता है मूवी किन तीन चीजों से चलती है? एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। ऐसा ही सेम क्लोथिंग इंडस्ट्री के साथ होता है। क्लोथिंग इंडस्ट्री सिर्फ तीन चीजों से चलती है। डिजाइंस डिजाइंस डिजाइंस। क्यों ज्यादातर ब्रांड साल में सिर्फ दो ही बार नए डिजाइंस लाती है? इसका रीजन है डेड स्टॉक। डेड स्टॉक माने ऐसी चीज कि आप अगर प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो कुछ प्रोडक्ट्स बिकते ही नहीं है, उसको गार्बेज यार्ड में डालना पड़ता है। इंडस्ट्री का डेड स्टॉक रेशियो है 30%। हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं फ्रेंच क्राउन, इंडियाज फर्स्ट फास्ट फैशन ब्रांड इन मेंसवेयर कैटेगरी विथ जीरो डेड स्टॉक। हमने 2017 में फ्रेंच क्राउन को लॉन्च किया था और हम एवरी वीक में 200 से भी ज्यादा डिजाइंस लॉन्च करते हैं। अभी आप देखें तो हमारी वेबसाइट पे 3000 से भी ज्यादा डिजाइन लाइव है। हम सूट से लेके बॉक्सर तक सारी ही मेंसवेयर कैटेगरी में डील करते हैं, पर हमारे हीरो प्रोडक्ट्स हमेशा से सूट और शर्ट्स ही रहेंगे। हम कस्टमाइज प्रोडक्ट्स देते हैं, प्लस साइजेस देते हैं और लो हैंगिंग फ्रूट्स जो स्टैंडर्ड साइजेस है वो तो देते ही है। कस्टमाइज साइज और जो प्लस साइजेस है उसमें से 30% बिजनेस मिलता है, जहाँ पे कॉम्पिटिशन बहुत कम है और मार्जिन ज्यादा है। 3 साल पहले हमारा एनुअल सेल्स 1 CR था और अब मंथली सेल्स 6 CR है। वाओ वाओ, मंथली सेल्स, मंथली सेल्स, तो साल का आपका 72 करोड़ हुआ। यस वाओ, ओके टेरिबल। सितंबर 2020 में इंटरनेशनल बिजनेस शुरू किया, सिर्फ एक महीने में अक्टूबर 2020 में ग्लोबल बिजनेस इंडिया को टच कर गया। जो काम करने में हमें 4 साल लगे इंडिया में, एक महीने में हमने इंटरनेशनल में वो काम कर दिया। हम 84 कंट्रीज में है आज। शख्स, हमारा आस्क है 1.5 CR for 0.33% equity. 0.33? Yes. बाप रे बाप। क्या शख्स, अब फ्रेंच क्राउन को इंडिया का पहला ट्रूली ग्लोबल ब्रांड बनाने में हमारी मदद करेंगे? नहीं, ये पहले अनुपम भाई फिर से बता दो यार वैल्यूएशन क्या। 450 करोड़। इतनी जल्दी आपने सही में कर लिया? हाँ हो गया। इलेश एंड भौदीप, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। क्राउन निकाल देते हैं, थोड़ा ऐसा ही लग रहा है ड्रामा ही बाजू। थोड़ा
थोड़ा अपने बारे में बताइए। मैं अपनी MBA की LBSIM लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो दिल्ली में है, उसके बाद मैंने फार्मा में एबर्ट हेल्थ केयर में 1.5 साल जॉब करी। उसके बाद तो इसने 1.5 साल मेरा अपना एक ब्रांड बनाया था एथनिक वेयर में, जो अमेजोन फ्लिपकार्ट में वो बेच रहा था, बट वो प्रॉफिट नहीं बना रहा था। तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड अबाउट क्लोथिंग इंडस्ट्री और सूरत से बिलोंग करता हूँ जिसका मेन बिजनेस टेक्सटाइल का है वहाँ पे। तो रिसर्च कर रहा था उस टाइम पे, तो 2013 में जब आप समझो कि D2C नाम भी इन्वेंट नहीं हुआ था उस टाइम पे, मैंने D2C ब्रांड अपने दम पे ढूंढा और वहाँ जाके इंटर्नशिप करी। मुझे सीखना था कि D2C वर्क कैसे करता है, और 2013 में ही नाम सोच लिया था फ्रेंच क्राउन। 6 महीने हमने बिजनेस पार्ट टाइम में किया, हमारा प्रॉफिट हमारी सैलरी से बढ़ गया, फिर हमने जॉब छोड़ दी। Nice. और फिर 100% फ्रेंच क्राउन में आ गए। अच्छा, तो इलेश एंड भावदीप, केम छो मजामा? मजा नक्की, सुपर, क्योंकि फैशन में मेरी एक्सपर्टीज है और सचमुच बहुत एक्सपर्टीज है। मैं आप क्या नमिता, आप ये तो नहीं कहना चाह रहे थे कि नहीं है? नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहूंगी, फैशन, सारे फैशन, फैशन क्वीन हूं मैं, आपको ये पूछना चाहूंगी कि मुझे जो बहुत पसंद आया कि आपने बताया कि 200 डिजाइन्स पर वीक Per week. तो आपके पास क्या एक डिजाइन टीम है? एक ही पर्सन है। हाँ, क्योंकि मेंस वेयर है तो इतना डिजाइन इंटेंसिव नहीं है, बट फैब्रिक डिजाइन चाहिए, शर्ट का कोई स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं करना। नहीं, लेकिन इसमें देखो आपने कैसे एक इंडियन एलिमेंट डाला है, लेकिन ब्रोकेड गोल्ड लुक आ रहा है। हाँ, तो ये कोई किसी टीम ने सोचा होगा, राइट? ये फैब्रिक है, तो फैब्रिक तो मिल्स प्रोड्यूस करती है, वो नए नए डिजाइन मिल ही लेके आती है। जैसे ही वो लोग लॉन्च करते हैं नए डिजाइन मिल्स, हम तुरंत उठा लेते हैं। Okay, इंडस्ट्री में 6 महीने में एक बार प्रोक्योरमेंट होती है, हमारी प्रोक्योरमेंट हर दिन होती है। जैसे ही मिल कोई डिजाइन लेके आया, हमें पोर्टफोलियो भेजता है, तुरंत सिलेक्ट करते हैं, 3 महीने में वेबसाइट पे लाइव। और 3000 SKUs रख के भी डेड स्टॉक जीरो कैसे हो सकता है? हमने पहले ना, हमने सीधा 3000 SKU नहीं कर दिया, पहले हमने अपना सप्लाई चेन बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है। आज भी हम हमारे सप्लाई चेन में हर महीने में 5-7 लाख रुपए सिर्फ सप्लाई चेन में डालते हैं कि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि सिस्टम मेड टू ऑर्डर करते हैं कि बना के रखते हैं स्टाइल्स? 70% मेड टू ऑर्डर करते हैं। कैसे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और कैसे इतनी जल्दी मार्केट में लेके आते हैं? जनरली मैंने ये हमने आइडेंटिफाई ऐसा किया कि आप ना कभी भी किसी भी प्रोडक्ट में साइज रेशियो एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जनरली इंडस्ट्री क्या करती है, 1:1 के रेशियो में मैन्युफैक्चर कर देती है, फिर साइजेस पड़े रहते हैं। इस इश्यू को हम बोलते हैं शॉर्ट साइजिंग इश्यू। तो ये डेड स्टॉक का सबसे बड़ा रीज़न है, और प्रोडक्ट रिटर्न में भी साइजिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो ये दो विलन है मतलब इंडस्ट्री के, दोनों को एक ही तीर से मारा, हमने साइजिंग इश्यू ही जीरो कर दिया। मतलब क्या करते हैं कि अगर हम 100% डिसाइड नहीं कर पाते ना क्या रेशियो में बनाना है, हम 70% ही डिसाइड करते हैं। 70% स्टॉक रखो जो हम हर महीने एनालाइज करते हैं कि ये रेशियो में साइजेस बिक रही है, उस रेशियो में हम प्रोडक्ट्स बना देते हैं। 30% हमारे पास रहता है फैब्रिक फॉर्म में, उस फैब्रिक फॉर्म में से अगर कस्टमर बोलेगा मेरे को ये शर्ट हाफ स्लीव में चाहिए, तो हम उसको हाफ स्लीव दे देंगे। वो बोलेगा प्लस साइजेस चाहिए, मेरे को 52 साइज, मतलब ये 100 किलो का आदमी है, 150 किलो का, 160 किलो का आदमी होगा तो भी हमारी शर्ट आ जाएगी। उसमें कितना टाइम लगता है? 2 दिन का टाइम लगता है मेक टू ऑर्डर में। तो वो भी आपने क्रैक कर लिया? क्रैक कर लिया, ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। कितने पीसेस बना सकते हो आप? वो 15,000 पीसेस का कैपेसिटी है, पर हम फिर भी 30% जितना आउटसोर्स करते हैं, क्योंकि स्केलेबिलिटी में अपना ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में प्रॉब्लम आएगा। तो आपकी इंडिया में भी सेल होती है या खाली ग्लोबली ज्यादा होती है? 50-50% है अभी, थोड़े महीने पहले 60% इंटरनेशनल थी, 40% इंडिया था। इसकी मार्केटिंग कैसे कहाँ करते हो? इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, एवरी सिंगल पेनी वी आर अर्निंग फ्रॉम आवर ओन वेबसाइट। एंड जैसे ये सूट कितने का बेचोगे, ये वाला सूट? ये बिकेगा 15,000 के करीब का। और ये पूरा सूट 15,000 में आपको कितने का पड़ेगा? ये 3500 में पड़ेगा। गुड मार्जिन भी अच्छा है। हाँ, इंटरनेशनल में हमारे मार्जिन से 84% ग्रॉस मार्जिन। इंडिया और इंटरनेशनल मिला के आपका ब्लेंडेड ग्रॉस मार्जिन 72 क्रॉस पे, व्हाट इज द GC? 70% पे आ जाएगा। 70% पे आएगा। और नेट प्रॉफिट कितना है आपका? 20% अभी बन रहा है। तो अभी पिछले महीने आपने 1 करोड़ प्रॉफिट किया, घर पे आया 1 करोड़। और आपने बोला आप 84 कंट्रीज में है। हाँ, ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड नहीं है। तो आपका जो 50% बिजनेस ग्लोबल से आ रहा है,
80% 4 या 5 कंट्री से होगा, राइट? हाँ, 60% अलोन यूएस का है. उसके बाद 10% जितना यूके का आता है, फिर ऑस्ट्रेलिया 5 से 6%, देन कनाडा 2-3%. इतनी प्रॉफिटेबल आपकी कंपनी है, तो आपको हमारे पास 1.5 करोड़ क्यों चाहिए जब इतना कैश रिच बिजनेस है? एक मैं बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, माल बेचने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए बताइए? इन्वेंटरी, कैपिटल चाहिए. माल बेचने से सबसे ज्यादा माल चाहिए ना. Stock. हमारे पास माल नहीं है, हमारे पास इन्वेंटरी का इश्यू हो जाता है. हमारे पास अगर स्टॉक में आज 15,000 शर्ट है ना, एक महीने में 10,000 खाली. मतलब जहाँ पे इंडस्ट्री का जो टर्न अराउंड टाइम है 6 महीने का है, हमारा सिर्फ 1.5 महीने का है. पर 6 महीने का स्टॉक करोगे तो बिजनेस खराब हो जाएगा. मतलब वो नहीं, आप अभी भी 3,000 डिजाइन कर पा रहे हो, वो 1.5 महीने का स्टॉक थी, तो बहुत अच्छा बिजनेस है. वर्किंग कैपिटल बढ़ा के अपने बिजनेस के फंडामेंटल्स को क्यों खराब करना चाहते हैं? नहीं, इन्वेंटरी 6 महीने की नहीं रखनी है. सपोज करो मेरे पास एमआरपी वैल्यू पे 15 करोड़ की इन्वेंटरी है, तो मैं 10 करोड़ का मंथली सेल करूंगा. अगर वो इन्वेंट्री मेरे पास अगर 50 करोड़ की होगी ना, तो भी मैं 30 करोड़ का कर दूंगा. मैं ये बोल रहा हूँ उसमें कैपेसिटी है, बट कंस्ट्रेंट है कि इन्वेंट्री नहीं है. एक बात मैं बताता हूँ, नहीं आ रहा यार, हमसे 1.5 करोड़ लेके ऐसा क्या हो जाएगा जो आपका बिजनेस ही बिल्कुल बदल जाए? अब 10 करोड़ दो. So, इलेश महोदी, I like that. ये जो फ्रेंच क्राउन है, हाँ. आपकी कंपनी, इसको एक लाइन में मुझे समझाइए कि 5 साल बाद क्या बनना चाहते हैं आप? इंडियाज फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल ब्रांड इन मेंसवेयर कैटेगरी. अगर 5 साल बाद 70 करोड़ इंटरनेशनल आ रहा होगा और 30 करोड़ इंडिया से आ रहा होगा, हाँ. तो आप कहेंगे ट्रूली ग्लोबल बिजनेस है? हाँ, मैक्सिमम बिजनेस बाहर से आना चाहिए. तो अभी भी आ रहा है, ऑलमोस्ट 60% तो आ ही रहा है. नहीं, बट स्केल, स्केल होना चाहिए ना इसको. क्या स्केल चाहते हैं 5 साल में? मैं 2 साल में अगर इन्वेस्टर मिले तो 2 साल में यूनिकॉर्न बन जाएंगे हम. बनना चाहेंगे, आ गया अभी बनना चाहेंगे. यूनिकॉर्न का मतलब हो गया 7,000 करोड़ की सेल करना चाहते हैं अब 2 साल में. 7,000 करोड़ की वैल्यूएशन, 1,500 करोड़ की सेल चाहता हूँ मैं नेक्स्ट 2 इयर्स में. तो मतलब 5 times सेल्स वैल्यूएशन होगी आपकी. हाँ, ठीक है, आपने खुद बोल दिया. हाँ, ठीक है. अभी ये बताओ कि आपके हम प्रोडक्ट्स देख सकते हैं कहीं कहीं? श्योर. और आप ना बाहर जाके लोगों को ये बता देना, देखो अमन जी बेचारे कम बोलते हैं, आपने देख लिया होगा. और ऐसा लगता है जैसे हम रोकते हैं, बताओ. इलेश और भावदीप, इनके दोनों के सवाल के पहले मैं आपको एक ऑफर देती हूँ. आप में और मेरे में आई थिंक 4 चीजें कॉमन है. नंबर 1, यू गुज्जू मी गुज्जू. नंबर 2, यू फार्मा, मैं तो हूँ ही फार्मा. नंबर 3, यू हैव अ पैशन इन फैशन. मेरा तो एक्सपर्टीज ही है फैशन. और नंबर 4, आपने एक बहुत अच्छी चीज बताई विच रियली यू नो टच माई हार्ट. मेड इन इंडिया, लेकिन ब्रांड को ग्लोबल बनाना है. हाँ. और एमक्यू ने भी ऐसे ही किया है, मेड इन इंडिया बट वेयर इन 70+ कंट्रीज. तो ये एक सिनर्जी है. तो मैं आपको ये ऑफर देना चाहूंगी, 75 लाख ओके फॉर 7.5% इक्विटी ओके एंड 75 लाख डेट एट 12%. तो आपने इनके बिजनेस की वैल्यूएशन 10 करोड़ लगाई है. यस. For a 75 crore business in revenue. Yes. पीयूष तुम तो मत बोलो, तुम ऐसा कर चुके हो. अब मेरे को ना 2-3 चीज़ बताओ. 72 crores is not a joke. आप लोग इन्वेस्टर्स के पास गए हो? सितंबर में ना हमारा जब रेवेन्यू 3.7 CR था, तब हमें 100 CR की वैल्यूएशन पे 10 CR का मिल रहा था. और आपने लिया नहीं? नहीं, क्योंकि मुझे वैल्यूएशन उस टाइम पे 2.5x वाज रियली लो. 2.5x फैशन बिजनेस में बहुत अच्छा होता है. फैशन बिजनेस एज अ कैटेगरी में 2-3x मल्टीपल से ज्यादा मिलता नहीं है. मैंने जितना देखा, बट शार्क टैंक में ही आई थिंक एक ब्रांड को मिला हुआ है 5x. और वो भी कौन सी ब्रांड? कौन था वो? बमर आई थिंक. भाई भाई, वो स्केल लेवल डिफरेंट लेवल्स पे डिपेंड करता है. ओके, एक चीज बताऊं? हां, मेरे को ना बस एक कभी-कभी ना वो होता है, एक चीज बोलता है टू गुड टू बी ट्रू. तो आपका बिजनेस टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है कि 72 करोड़ आपने कर दिया नॉर्मली, राइट? और अगर आप नॉर्मल इतना अच्छा बिजनेस कर रहे होते ना, तो इन्वेस्टर आप पे पहुंच चुके होते कहीं पे कुछ. देखो, बाहर जाके हमें पता लग जाएगा, ठीक है? हाँ, तो क्या झोल है बता दो पहले से. इन्वेस्टर तब आ जाते अगर वो पूरा बिजनेस इंडिया का होता. इंडिया में आधा है आधा बाहर है, तो इतना बड़ा ब्रांड नहीं बना है कि पूरा इंडिया का हो. नहीं भाई, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है. आप शार्क टैंक में आए हो वैल्यूएशन बेंचमार्क क्रिएट कर,
आपने काफी एपिसोड्स देख लिए, हाँ। आपको लगा कि यहाँ तो काफी काफी अच्छी वैल्यूएशन पे डील्स हो रही है, आपको 100 करोड़ की वैल्यूएशन पसंद नहीं आई जो आपको लास्ट ऑफर मिला, क्योंकि आपको चाहिए ना 1 करोड़ ना 2 करोड़, आपको कम से कम 10 करोड़ रुपए चाहिए, आइडियली 20 करोड़। तो आपने सोचा शार्क टैंक पे जाएंगे, वहाँ पे एक वैल्यूएशन इस्टेब्लिश कर लेंगे, 450 की ऑफर करते शायद 300 करोड़ की वैल्यूएशन इस्टेब्लिश हो जाएगी, उसके बाद 20 करोड़ रुपए उठाएंगे 10% नहीं डाइल्यूट कर। मेरा मुझे ये लग रहा है आपको वैल्यूएशन कम से कम 300 करोड़ चाहिए, ये बात सही है कि नहीं? 300 करोड़ में अगर मैं ऑफर करता हूँ आप डील एक्सेप्ट करोगे? मुझे 10 करोड़ ही चाहिए बट अच्छे वैल्यूएशन पे। क्या वैल्यूएशन पे? वही तो मैं बोल रहा हूँ। 300 CR। थैंक यू वेरी मच। मैं आपको बता देता हूँ, आपका ब्रांड नहीं है, मैंने आज तक फ्रेंच क्राउन का इंडिया में नाम नहीं सुना है ना ही देखा है, आपकी वैल्यूएशन इज आउट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर। आप यहाँ आए हैं वैल्यूएशन बेंचमार्क एस्टेब्लिश करने, कोई बुरी बात नहीं है, और मैंने साफ कह दिया 300 करोड़, आप भी वही बात पे आ गए, 300 करोड़ का वैल्यूएशन चाहिए। आप और मैं नहीं मिल सकते आज, इसीलिए मैं आउट हूँ, लेकिन आप कुछ तोड़ोगे, यहाँ तक पहुँच गए हो तो कहीं दूर पहुँचो। गुड लक। देखो ये आपकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ये वो आ रहा है, वो क्या बोलते ना, गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। आपका ब्रांड नहीं है, आप 36 करोड़ की सेल कर पा रहे हो, इट इज आउटस्टैंडिंग। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट, कि मैं कोशिश कर रहा था कि समझ लूँ कि भाई कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो मुझे अभी तक नहीं समझ आया, तो मैं अभी तो आउट हूँ, बट ऑल द बेस्ट। आपका जो पर्पस है ना, जिस वजह से आप ये बिजनेस कर रहे हैं, वो क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि उसमें मैं कहीं कंफ्यूज हूँ, इसलिए मैं बाहर हूँ। जब आप 84 कंट्रीज से 72 करोड़ का बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि आपकी जो ब्रांड है वो एस्टैब्लिश करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे लगता है एक कंट्री में बहुत बड़ी ब्रांड बनाना जो टॉप 5 ब्रांड्स में है, वो एक बिगर गोल है। बट ऑफकोर्स आपका बिजनेस का मेट्रिक्स फिनोमिनल है, तो कीप डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, बेस्ट ऑफ लक। मैं अपना ऑफर रिवाइज कर रही हूँ, आई एम विलिंग टू गिव यू 75 लाख फॉर 3.75%, which is a good multiple of your net profit. Sorry, Namita, I can't accept your offer. So sorry. Fine, thank you. Thank you, everyone. Thank you. Best of luck. ये वैल्यूएशन चेज कर रहे हैं, एंड आई एम टेलिंग यू ये अलग ब्रांड चल गया कर रहे थे कि भाई बता दे, मैन्युफैक्चरिंग हम कोशिश करे जा रहे थे कि बता दे कैसे बिक रहा है, कोई विजन ही नहीं है बिजनेस का, बस यूनिकॉर्न बनना है। अगर तुम कर देते ना डील, तो मैं वहीं आके चेक ले जाता। यार आई लाइक जो पिचर्स जितना बेहतर नेगोशिएट करते हैं उन्हें उतनी ही शानदार डील मिलती है, और हमारे अगले पिचर तो सर्टिफाइड नेगोशिएटर है। तो चलिए मिलते हैं सुदीप गुप्ता और उनके साथ है उनकी CCO स्वाति गुप्ता एंड COO साजिद खान। घर से जूतों का बिजनेस शुरू किया था और बिजनेस वो ग्रो करने लग गया। अब मेरे बेडरूम में भी जूते, मेरे लिविंग रूम में भी जूते, जूतों पे ही सोता हूँ, जूतों पे ही उठता हूँ। यार मैं क्या करूँ? यार मुझे भी ऑफिस के काम से 6 महीने के लिए दिल्ली से बैंगलोर जाना है। अब इस महंगाई के जमाने में 2 घर का किराया मैं कहां से दूं? मैं अपने दिल्ली वाले घर के सामान का क्या करूं? तुम दोनों कुछ मत करो, तुम स्टोर माय गुड्स पर स्टोर करो। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है सुदीप गुप्ता और मैं हूं फाउंडर एंड CEO ऑफ स्टोर माय गुड्स। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है साजिद खान एंड आई एम द चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर ऑफ स्टोर माय गुड्स। हेलो शार्क्स, मेरा नाम है स्वाति गुप्ता और मैं हूं चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ स्टोर माय गुड्स। शार्क्स, हम सभी ने लाइफ में कभी ना कभी स्टोरेज या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फेस किया है, चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल हो जिसको अपना घर रिनोवेट करना है, या फिर वो कोई एक एंटरप्रेन्योर हो जो अपना बिजनेस स्केल करना चाहता है। इन सभी लोगों को कुछ प्रॉब्लम्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। वो प्रॉब्लम्स हैं ब्रोकर से डील करने की प्रॉब्लम, हैवी कमीशन देने की प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट एक अफोर्डेबल सेफ एंड सिक्योर स्टोरेज ढूंढने की प्रॉब्लम। शार्क्स, इसी को सॉल्व करने के लिए हम लेकर आए हैं स्टोर माई गुड्स, जो कि एक टेक इनेबल्ड वन स्टॉप स्टोरेज सोल्यूशन है, जहाँ पर कोई भी कस्टमर दुनिया के किसी भी कोने से हमारी स्टोरेज सर्विसेज ले सकता है ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। शार्क्स, जब मैं पेरिस में पढ़ाई करता था और जब मैंने जर्मनी में जॉब किया, तो मैंने पहली बार इस स्टोरेज कॉन्सेप्ट को यूज किया, और यूरोप यूएस में ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है।
अगस्त 2020 में मैंने स्टोर माय गुड स्टार्ट किया था और अभी तक हम 500 से ज्यादा कस्टमर्स को सब्सक्रिप्शन मॉडल पर स्टोरेज सर्विसेज दे चुके हैं। हमारे पास तकरीबन 40,000 स्क्वायर फीट ऑफ स्पेस है। हम दिल्ली एनसीआर से स्टार्ट किया था, अभी हम मुंबई में भी प्रेजेंट है और कुछ ही दिनों में हम 4 नए शहर लॉन्च कर रहे हैं। शार्क्स, हम स्टोर माय गुड्स को स्टोरेज इंडस्ट्री का एयरबीएनबी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए हमारी आस्क है 1 करोड़ फॉर 1.75% ऑफ आवर इक्विटी। सो शार्क्स, हु वांट्स टू मेक स्टोरेज इजी विद स्टोर माय गुड्स? ग्रेट प्रेजेंटेशन सुदीप, स्वाति एंड साजिद, वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल एपिसोड। थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली फैंटास्टिक बिजनेस, लास्ट 12 महीने में तो इसकी काफी मार्केट ग्रो की है, पर आप तीनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, आपकी इक्विटी स्ट्रक्चर क्या है, ये बताएं। स्वाति इज माय वाइफ एंड हम एक दूसरे को तकरीबन 11 साल से जानते हैं एंड साजिद और हमने Cars24 ओयो में साथ में काम किया है। तो आप क्या करते थे Cars24 में? आई वाज लीडिंग ग्रोथ वर्टिकल फॉर देम अक्रॉस इंडिया। आई वाज लीडिंग फ्रेंचाइजिंग एंड अलायंसेस एज अ एसोसिएट डायरेक्टर फॉर देम एंड विद ओयो आई वाज लीडिंग द इंटरनेशनल बिजनेस एज डायरेक्टर इंटरनेशनल बिजनेस। सो आई लॉन्च्ड यूरोप, यूएस एंड कनाडा मार्केट्स फॉर देम। ओवरऑल इक्विटी इज विद आवर फैमिली, जो कि मैं हूँ, स्वाति है, हमारी फैमिली है। साजिद ने हमें ज्वाइन किया है एज अ पार्ट ऑफ ईसॉप पूल। How much ESOP does Sajid has? So he has approximately 5% of ESOP. 5% of ESOP. और आपकी और स्वाति की क्या स्प्लिट है? मेरा 50% है। मेरा 20%। और बाकी? बाकी is my father is also an investor into the company. आप ही का हुआ? हाँ जी, फैमिली का ही हुआ। तो स्वाति और साजिद का रोल जरा मुझे समझाइए। स्वाति आप खुद समझाइए। शार्क्स, मैं एक लॉयर हूँ बेसिकली। मैंने 8 से 9 साल दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया है। अब तो बड़ा संभाल के आपसे बात कर रही हूं। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टोर माय गुड्स को ज्वाइन किया है, जहाँ पे मैं इनका लीगल प्रोसेसेस और इनका अकाउंट्स ये सब मैं देखती हूँ। एंड यू सर? आई एम अ डीयू ग्रेजुएट। मैंने बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज किया मार्केटिंग में। अच्छा। एंड आई स्टार्टेड माय जर्नी विद हॉस्टल, लेटर ऑन आई ज्वाइन Cars24। मैंने Cars24 में सेल से शुरू किया था। हाँ जी। बाद में आई मूव टू स्पेशल प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे कोर स्ट्रेटजी एंड सिटीज के प्लान्स, टीम के एग्जीक्यूशंस, जो प्रीवियस लर्निंग था सेल्स का, वो आई हैव टू अप्लाई इन स्पेशल प्रोजेक्ट्स। आपने कहा कि आपके पास 500 कस्टमर्स है और सब्सक्रिप्शन मॉडल पर है, राइट? तो थोड़ा जरा कस्टमर जर्नी एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे, लाइक और सर्विस भी, आप सर्विस एग्जैक्टली क्या सर्विस है, मैं क्लियर नहीं हूं। और पूरा जर्नी है कि B2B है ये भी, राइट? सो बेसिकली हमारे जो दो वर्टिकल्स हैं, B2C हो गया इंडिविजुअल कस्टमर के लिए और B2B हमारे जो स्टार्टअप्स हो गए या फिर बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हो गए। सब्सक्रिप्शन मॉडल बेसिकली ये है कि हमारा जो B2C कस्टमर है, उसका जो लाइफ साइकिल होता है वो 6 महीने का होता है एवरेज लाइफ साइकिल, और B2B का 12 महीने का होता है। तो जब हमारे साथ कोई भी कस्टमर जुड़ता है, जैसे कि मैं, जैसे स्वाति हैं, मूव कर रही हैं बैंगलोर और इनको रिक्वायरमेंट है अपना स्टोर करने के लिए, 6 महीने के लिए हमारी सर्विसेज लेंगी। अब इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे वेबसाइट पे जाते हैं, माय अकाउंट में लॉगिन करते हैं, अपने डिटेल्स डालते हैं, KYC, सेल्फ डिक्लेरेशन, रिप्लेसमेंट वैल्यू एंड इंश्योरेंस सब ऑनलाइन ले लेते हैं। फिर हमारी टीम जाती है, स्केड्यूल करते हैं पिकअप डेट को, और पिकअप डेट के बाद हमारी टीम जाती है, वो इनका सामान पैक करती है, पैकिंग भी है, पैकिंग भी है, 3-लेयर पैकिंग में पैक होता है, और फिर वो हमारी टीम लेके आ जाती है। एंड दिस इज डन इंटायरली विदाउट इवन कॉलिंग। अगर हम नहीं करना चाहे तो कर सकते हैं, और हमारा पेमेंट गेटवे इंटीग्रेशन सारी चीजें हैं। और दूसरी सुविधा ये भी है कि हमारे कुछ कोरियन कस्टमर्स हैं या बाहर के कस्टमर्स हैं, जहाँ पर ये एडवांस स्टेज में है कॉन्सेप्ट, तो वो बोलते हैं कि आप हमें बॉक्सेस दे दीजिए, हम सेल्फ ड्रॉप करेंगे। तो हमारे फैसिलिटी में आते हैं, सेल्फ ड्रॉप करते हैं, हम उनको रैप करते हैं 3-लेयर पैकिंग में, स्टोर करते हैं। पर अगर मैं एक घर से दूसरे घर मूव करना चाहता हूँ सेम सिटी में, वो सर्विस आप नहीं? नहीं, वो हम नहीं करते। हमारा कोर है स्टोरेज और स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज। वी आर वेरी UX दिखाएंगे आपका यूजर इंटरफेस कैसा? डेमो दिखा दीजिए। तो शार्क्स, ये हमारा वेबसाइट है, B2C के, B2B दोनों के लिए हैं। जितने भी स्टोरेबल्स हैं, चाहे वो उसके हाउसहोल्ड स्टोरेबल्स हैं, बिजनेस स्टोरेजेस हैं, क्लोथिंग है, उसके जिम रेस्टोरेंट का सामान है, व्हीकल्स हैं, मेमोरीज हैं, वो कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? थोड़ा नीचे आएंगे, यहाँ पे ये स्टोरेज की कंपोजिशन है। बॉक्स स्टोरेज भी है, शेयर्ड स्टोरेज भी है, प्राइवेट स्टोरेज भी है। अगेन इट्स वन ऑफ द USP, गारंटीड लोएस्ट प्राइस होते हैं अपने दिल्ली NCR में, नो लॉक इन पीरियड एंड बहुत ही मिनिमल सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो अगर मैं शू बॉक्सेस का बिजनेस करता हूं, तो यू कैन स्टोर, आप मेरे शू बॉक्सेस स्टोर कर सकते हैं। हम आपको प्राइवेट स्पेस भी देते हैं, जो हमारे पास 50 स्क्वायर फीट, 70 स्क्वायर फीट, 100, 200 कस्टमाइजेबल है। तो वो तो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस हुआ, वेयर हाउसिंग का बिजनेस हुआ ना, थोड़ा सा नहीं, स्टोरेज का बिजनेस है। वेयर हाउसिंग भी तो यही होती है। तो वेयर हाउसिंग में आप देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल ही स्टोरेज से रिलेटेड सर्विसेज कस्टमाइज नहीं मिलेंगी। वहाँ पे आप फुलफिलमेंट में ज्यादा फोकस होते हैं वर्सेस स्टोरेज सर्विस में। हमारा कोर बिल्कुल स्टोरेज है।
नहीं, इसमें इन एंड आउट नहीं कर सकते ना बहुत फ्रीक्वेंटली आप... हम अलाउ करते हैं अपने B2B क्लाइंट्स के लिए, तो मैं रोज निकाल सकता हूँ गुड्स अपने बाहर। वो तो वेयरहाउस है। इसमें दो तीन सेगमेंट है इंडस्ट्री में, करेक्ट? एक है ई कॉमर्स एनेबलमेंट, करेक्ट, जहाँ पर लोग आपको, आप D2C ब्रांड है, आपने सारा काम दे दिया किसको, वो आपकी वेयरहाउसिंग लॉजिस्टिक्स सारा कुछ देखता है, ठीक है? तो वो टाइप के प्लेयर को आपकी जरूरत नहीं, क्योंकि आप पूरा ई कॉमर्स एनेबलमेंट नहीं कर रहे। दूसरा है सिर्फ वेयरहाउसिंग, जहाँ पर लोग आपको वेयरहाउसिंग की स्पेस देते हैं स्टोर करने। और तीसरा है जो अभी आप बोल रहे हो स्टोर माई गुड्स, जो रिटेल वर्जन हो गया वेयरहाउसिंग का, जिसमें आपने लॉजिस्टिक्स भी जोड़ दी सुविधा के लिए, घर से माल ले लिया ड्रॉप कर दिया, तो आप ये तीसरे सेगमेंट में कर, ये बात ठीक है? तो शाक, मैं थोड़ा सा यहाँ पे रिफाइन करना चाहूंगा, 1, 2 और 3 तीनों में हमारा जो अभी बिजनेस नंबर्स है, हम अभी 65% तो बता दीजिए, नंबर्स तक आ गए तो बता दीजिए। नहीं, और नंबर्स के साथ साथ ये भी बताइए कि उसका स्प्लिट क्या है बिटवीन B2C एंड B2B। तो अभी हम जनवरी के मंथ में हम 30 लाख रुपए का रेवेन्यू कर रहे हैं, और हमारा जो B2C का स्प्लिट है वो हम 65% रेवेन्यू B2C से आता है, बिकॉज हमने जब स्टार्ट किया था B2C से किया था। और ग्रोथ क्या है मंथ ऑन मंथ? सो मंथ ऑन मंथ हम 10-15% ग्रो कर रहे हैं। अभी तक हम 2.25 करोड़ का बिजनेस कर चुके हैं। कितने महीने में? अगस्त 2020। तो पहले फाइनेंशियल ईयर में हमने 35 लाख का बिजनेस किया था 2021 में, 21-22 में अभी तक जो दिसंबर तक है हमने 1 करोड़ का बिजनेस किया है, और जो हमारे पास अभी ऑर्डर्स हैं और हमारी B2B क्लाइंट्स के साथ ऑलरेडी LOIs हैं, हम इस साल को दिसंबर तक कैलेंडर ईयर को 7 करोड़ में क्लोज करें। आपने कुछ इन्वेस्टमेंट भी रेज किया है? नहीं, अभी तक हमने इन्वेस्टमेंट रेज नहीं किया, वो हमारा फैमिली का ही इन्वेस्टमेंट है। एंड प्रॉफिट है कि लॉस में नहीं? तो हमने दिसंबर तक ब्रेक इवन किया है, हम बर्न नहीं कर रहे हैं। इस साल हम 10-15% EBITDA पे रहेंगे। आपके कंपेटिटर्स कितने हैं इंडिया में आज की तारीख में? शख्स जहाँ पर हम अभी ऑपरेट कर रहे हैं, ऑनेस्टली वहाँ पे कुछ लोकल प्लेयर्स हैं जहाँ पर वो प्राइस गेम खेलते हैं। अच्छा, आप एक, मेरे को आपका बिजनेस समझ में आ गया, मुझे एक बात गहराई से समझनी है। आपका फंडामेंटल रिस्क है लीस मिसमैच, राइट? आप जो जगह लेते हैं वो खरीदते तो है नहीं, लीज पे लेते हैं, उसका अरसा क्या होता है जो जगह आप लेते हैं? तो शार्क्स अभी हम 3-5 साल की लीज करते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने अभी जो अपने स्टोरेज हब्स ले रखे हैं 5,000 square feet, 10,000 square feet के मल्टीपल पे ले रखे हैं। हमारा जो विजन है कि जब हम थोड़ा ग्रो कर जाएंगे, हम उसको कंसोलिडेट करके एक बड़ा इकोसिस्टम बनाएंगे, स्टोरेज हब्स बनाएंगे। अभी आप 3-5 साल का लीज ले रहे हैं? हाँ जी। और आप दे रहे हैं आगे 6 महीने और 12 महीने? हाँ जी। तो ये जो डिमांड फ्लेक्सिबल है, टोटली फ्लेक्सिबल, 6 और 12 नहीं है? नहीं, वो 1 महीने भी ले सकते हैं। हाँ, नहीं, एवरेज 6 और 12 चल रहा है ना। हाँ जी। तो आपका ये रिस्क हो गया है, क्योंकि आपने कमिट कर दिया 3 साल या 5 साल। हाँ जी। और आगे आपको क्लाइंट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, क्या होगा, मैक्रो इवेंट? नहीं सर, हमने कमिट नहीं किया है, हमने बेसिकली एग्रीमेंट साइन किया है। लॉक इन अगर हम बात करें, जो हम लॉक इन देते हैं किसी भी ओनर को, तो वो हम 6 महीने से 9 महीने या मैक्सिमम 1 ईयर रखते हैं, और बाय द टाइम जब हमारा रेंट फ्री पीरियड होता है 1-2 महीना, उतने में हम 50% ऑक्यूपेंसी पे आ जाते हैं। देखो, US में ये बिजनेस, मैं वहाँ रह के आया हूँ काफी साल, और बहुत सारी सर्विसेज मैंने यूज भी की है। बिल्कुल। तो ये काफी कमोडिटाइज है, हर सिटी में अपने खुद के 10 ब्रांड है स्टोरेज के लिए। आप कैसे इसको एक डिफरेंशिएटेड मॉडल बनाएंगे नेशनल स्केल पे? बिकॉज इट इज अ वेरी लोकल फ्रेगमेंटेड बिजनेस, एटलीस्ट इन द US। बिल्कुल। तो शार्क, बेसिकली कार 24 जब हमने काम किया, तो हमने वहाँ पे सीखा कि एक ट्रांजैक्शन गाड़ी बिना किसी ब्रोकर के आप पूरा डील कर सकते हैं ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन। हम उसी चीज़ को सोच के माइंड में हम पूरी कस्टमर जर्नी को रेप्लिकेट करना चाहते हैं, कि वो ऑनबोर्ड होगा, वो सेलेक्ट करेगा, डेट सेलेक्ट करेगा, इंश्योरेंस प्लान सेलेक्ट करेगा, पिकअप सेलेक्ट करेगा, ड्रॉप सेलेक्ट करेगा, रिटर्न सेलेक्ट करेगा, उसको कुछ आइटम भी निकालने हैं। अगर मेरे को विंटर्स में, हमारे पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के हैं, आते हैं, हमें 2 बॉक्सेस लेने हैं, हमारे मार्क्ड है कि हमें विंटर क्लोथ्स चाहिए, तो वो लेके जाते हैं हमसे, या फिर हम उनको ड्रॉप करा देते हैं। तो बहुत ही ज्यादा हम टेक इनेबल्ड करना चाहते हैं। अभी कौन देखता है टेक्नोलॉजी? हमारी कुछ आउटसोर्स टीम है जिनके थ्रू हम करते हैं, बिकॉज अभी हम 8 ही लोगों की टीम है। बट एक, अगर आप टेक्नोलॉजी बिजनेस बोल रहे हो, उसमें बिना CTO थोड़ा सा मिसमैच। हमने जब स्टार्ट किया, हमने बिजनेस पहले एक एस्टैब्लिश किया, हमें पता है, जैसे हमने पहले बताया कि हमें एक CTO की रिक्वायरमेंट है, और नहीं, 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 आप बोल रहे हो कि आपका डिफरेंशिएटर रहेगा टेक्नोलॉजी। बिल्कुल। आपकी वेबसाइट देख के ऐसा नहीं लगा कि आज की तारीख में आपका डिफरेंशिएटर टेक्नोलॉजी? आई थॉट इट वाज एन ओके वेबसाइट। अभी आई डोंट नो बाकी लोग सहमत है कि नहीं। एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट। साथ में खड़ा होता ना अगर एक और टेक्नोलॉजी का बंदा, तो शायद डिस्कशन और अच्छी होती। बिल्कुल। बट अभी के लिए इसी का रीजन है कि अभी तक आपको फंड रेज नहीं हुआ है ना? हमारे पास अभी कुछ लोगों का इंटरेस्ट है, हमारे पास एक टर्म शीट भी है,
बट हम यहाँ पर इस वजह से आए हैं कि हमें कुछ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हमें मिले और हमारे कुछ B2B आप CTO हायर करने आए हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी कुछ दिख नहीं रही है मुझे और अल्टीमेटली ये गेम जब बनेगा बड़ा इट हैज टू बी टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड उस रीजन से मैं आज आउट हूँ. आई विश यू द बेस्ट. जिस डायरेक्शन में आप अभी इसको ले जाना चाहते हैं विच इज़ द होल डिमांड सप्लाई मार्केट प्लेस जो Airbnb, अर्बन कंपनी, यू नो WeWork से लेकर इवन Cars24 का जो मॉडल है वो वाला एक जो मॉडल है ना दैट इज लाइक एन इकोनॉमी ऑफ स्केल मॉडल. तो उसमें इतना डीप टेक एंड यू नो आई थिंक एटलीस्ट 200-300 करोड़ से कम रेज के बिना वो लार्ज बिजनेस नहीं बन सकता है बिकॉज उसमें इनिशियल सेटबैक्स बहुत होते हैं टू क्रिएट इनफ डिमांड एंड क्रिएट इनफ सप्लाई. सो फॉर मी अभी दिस इज नॉट अ फिट फॉर दैट रीजन आई एम आउट. आपने बताया कि कोई इंटरेस्ट है आपके पास, कोई टर्म शीट है तो उसमें कितना वैल्यूएशन? अभी टर्म शीट नहीं है. है हम जो डिस्को हमारा जो फ्लोर वैल्यूएशन है वो 25 करोड़ का है और जो हमारा कैप वैल्यूएशन है वो 37.5. और यहाँ आप 60 करोड़ क्यों मांग रहे हैं? नहीं, वो हमारा टर्म शीट 3 महीने पुराना हो गया एक्चुअली. अरे यार, नहीं नहीं, फ्लोर ही होगा, फ्लोर याद रखो. शार्क टैंक में आके वैल्यूएशन बढ़ जाए. अभी बात बची नहीं है पीयूष, बात बची नहीं है. नहीं है, मेरे लिए बची है. मुझे बताइए 18 महीने में फंडिंग क्यों नहीं रेज करी? हम पहले थोड़ा टाइम स्टेल्थ मोड पे रहना चाहते थे और बिल्ड करना चाहते थे. बिल्कुल सच कह रहे हैं आप. बिल्कुल सच कह रहे हैं. हैंड टू हार्ट. हैंड टू हार्ट मतलब ऑनेस्टली अगर मैं जाऊंगा मार्केट में, अगर मैं मांगूंगा पैसा तो मिल जाएगा, बट मैं चाहता हूँ कि उनसे लिया जाए जो हमें हेल्प कर सके टेक्नोलॉजी में और पेनिट्रेट कर सके B2C मार्केट के अंदर. अरे टेक्नोलॉजी और विजन क्या है? वी वॉन्ट टू बिकम द Airbnb of storage and हम 500 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं अगले 5 साल. सर, we will make you an offer. हाँ जी सर. 50 lakh 5% equity. Me and Namita will come together. We'll split the risk because it's a little early stage. Yeah. And 50 lakh हम आपको debt देंगे at 12% interest as and when you need it. Sharks हम एक counter offer करना चाहेंगे. We can look at up to 6% of our equity. For 1 crore. For 1 crore. Kya valuation hoge? By 6, matlab 16 crore. All equity. All equity. Beech mein mil jao. Counter kar do. Yaar, I think I'll stay firm on my offer. Yeah, I need me. मतलब I think I am okay to take the 50 lakh as equity right now because we don't want to dilute you more. We are basically taking 5% equity between two people, taking the risk at this stage when it is too early. और उसके बाद टर्म शीट आएगा, कोई पैसा डालेगा नहीं डालेगा. मैं तो आपको कोई कंडीशन नहीं लगा रहा कि कोई आए ना आए. इट इज एन अनकंडीशनल ऑफर. मैं बोल सकता हूँ आपकी तरफ से जो फाइनल ऑफर है वो है 50 lakh 5%. 50 okay. lakh debt. वो debt आपको जरूरत होगी तो लेना, मतलब जरूरी नहीं है you have to take. नहीं, but you have to give 1 crore. हाँ, we'll give you. ठीक. तो शाक, हम जो हमारा लास्ट काउंटर ऑफर रहेगा वो हम 3.5% पर 50 lakhs इक्विटी और बाकी डेट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड कर सकते हैं. हमारा ये फाइनल 50 lakh 4% डील डन. बैड, ले लो भाई दोनों 6 8 से ले. 50 lakhs for 3.75%. 0.25 के लिए ऐसे मत करो. आपके लिए इम्पोर्टेंट, हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, हम कर लेंगे मैनेज. ओके शॉट. ऑलराइट. वाओ. डील डन. वेल डन. सुपर. वेल डन. आज आप लाल पहन के आए हो ना, इसलिए आपको डील मिल गई. मैंने आपका इंस्टाग्राम का वीडियो देख लिया था पहले. आपने अपना लोगो भी चेंज कर दिया. कितने कलर की टी शर्ट लेके आए थे साथ में? आई थिंक आपको अपने टेक प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ेगा, विच इज वाई द हायर इक्विटी राइट नाउ. थैंक यू. हमारे अगले पिक्चर्स हैं दो जिगरी दोस्त, टू ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर,
जिनकी दोस्ती एक बिजनेस पार्टनरशिप में बदल गई है और फिल्मों की तरह बच्चों की शादी भी नहीं करानी पड़ी. सो दैट्स ग्रेट. सो लेट्स सी इफ हिमांशु एंड नकुल इंप्रेस द शार्क्स ऑर नॉट. क्या देवनागरी क्या है? लिपि है, लिपि. इट्स सम ए बट इट्स अ टेक प्रोडक्ट. मेरे पास सिर्फ लैपटॉप है. AI. ओ प्यूज टेक्नोलॉजी. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम हिमांशु शर्मा है. नमस्कार शार्क्स, मेरा नाम नकुल कुंद्रा है. हम लोग देवनागरी के को-फाउंडर हैं और हम लोग आज यहाँ दिल्ली से आए हैं. शार्क्स, मैं आपको अपने देश की एक बहुत खूबसूरत लाइन बताना चाहता हूँ. कोस कोस पे बदले पानी और चार कोस पे बदले वानी. वाह वाह. आज भी 90% भारतीय अपनी मातृभाषा में बातें करते हैं और उन्हें अंग्रेजी नहीं आती है. अगर हम इंटरनेट दुनिया की बात करते हैं तो केवल 0.1% कंटेंट इंडियन लैंग्वेजेस का इंटरनेट पर अवेलेबल है. सोचिए, अगर 90% भारतीय जिनकी संख्या 100 करोड़ से भी ज्यादा है, वो लोग जब इंटरनेट पर आएंगे तो वो कंज्यूम क्या करेंगे? इंटरनेट तो है, स्मार्टफोन्स भी हैं, लेकिन कंज्यूम करने के लिए हमारे पास कंटेंट नहीं है. और यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम देवनागरी द्वारा सॉल्व कर रहे हैं. देवनागरी एक AI पावर्ड ह्यूमन ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है जो 12 इंडियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है. हमने अपना मशीन ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जिसकी एक्यूरेसी 85% तक है. ये टेक्नोलॉजी हमने भारत में ही बनाई है. हमारा लक्ष्य उन 100 करोड़ भारतीयों तक जाना है जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती और जो tier 2, tier 3 सिटीज में रहते हैं और गाँव में रहते हैं. इसके लिए हम लोग बिजनेसेस को एनेबल करते हैं उनका डिजिटल कंटेंट और उनका कम्युनिकेशन लोकलाइज करने में. इसके लिए हमने अपना ट्रांसलेशन इंजन बनाया है जो आप ऑनलाइन जाके www.translate.devanagari.com पर जाके चेक कर सकते हैं. देवनागरी की शुरुआत 2020 में हुई थी. आज देवनागरी के पास 70+ क्लाइंट्स हैं जिसको हम ट्रांसलेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. हमने 5000 ह्यूमन ट्रांसलेटर्स की कम्युनिटी भी बनाई है. अभी हम टेक्स्ट टू टेक्स्ट ट्रांसलेशन कर रहे हैं और इमेज ट्रांसलेशन शुरू कर दिया है. हम वॉइस ट्रांसलेशन पे भी जाना चाहते हैं. सर, सोचिए अगर 100 करोड़ लोग डिजिटल इंडिया का हिस्सा बन पाए, सीख पाए, समझ पाए और अपने स्टार्टअप अपनी लैंग्वेज में बना पाए विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर, उनके चेहरे पे जो स्माइल होगी ना, वो चाहिए. 100 करोड़ स्माइल चाहिए, ये हमारा लक्ष्य है. तो शार्क्स, हमारा आज 1% इक्विटी फॉर 1 करोड़ है. तो आइए शार्क्स, हम लोग मिलकर इस लैंग्वेज बैरियर को हटाएं और हमारे भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं. 100 करोड़ की वैल्यूएशन पे. यस यस. सो हिमांशु, नकुल, जो गूगल ट्रांसलेट ऑलरेडी कर रहा है उससे कैसे कम्पीट करेंगे आप? हाँ, तो गूगल ट्रांसलेट इज गुड फॉर जनरल ट्रांसलेशन. मुझे यहाँ जाना है, मुझे कल वहां लेके जाना है, दे कैन डू इट. बट अगर हम बिजनेस पूरा टेक्स्ट भी हो जाता है, राइट? पूरा टेक्स्ट हो जाता है. बट हम जब बिजनेस की बात करते हैं, लेट्स से मोबाइल वर्ड ई कॉमर्स में एक फोन हो सकता है, बट मोबाइल ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में चलना भी हो सकता है. तो ये कॉन्टेक्स्ट मशीन को कैसे समझ में आएगा? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डोमेनाइजिंग द इंडस्ट्रीज एंड मेकिंग मशीन ट्रांसलेशन स्पेसिफिक टू दोज इंडस्ट्रीज एंड वी आर टारगेटिंग B2B. बट ये जो मोबाइल पे भी होता है, जैसे अगर आप किसी की मोबाइल पे भी देखोगे, आजकल हिंदी पे लोग लिख लेते हैं, सोशल मीडिया में हिंदी आ गई है, तो वो तो एक कीबोर्ड्स अवेलेबल हो जाते हैं आजकल कि आप इंग्लिश में लिखो और हिंदी ट्रांसलेट हो जाता है, राइट? करेक्ट. सो देयर इज 4 थिंग्स हियर कि ये इकोसिस्टम 4 चीज़ों से बनता है. पहले तो हमारे पास कंटेंट नहीं है, कंटेंट अवेलेबल कराना पड़ेगा. कंटेंट जब आ जाएगा तो उसको सर्च कराना पड़ेगा. जब सर्च आ जाएगा तो उसको कोई टाइप करके ढूंढने पड़े, वो भी करना पड़ेगा. उसके बाद हम एंगेजमेंट मॉडल पे जाते हैं कि जहाँ एंगेज हम कर पाएंगे. तो पहले हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ कंटेंट अवेलेबिलिटी की. हम लोग सर्च पे भी काम कर रहे हैं. इनपुट हम लोगों ने ट्रांसलिटरेशन इंजन जैसे आप बोलते हैं, वो हमने अपना खुद का बना लिया है मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस में. अभी हम 12 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करते हैं. आपने ट्रांसलिटरेशन कहा और उसके पहले आपने एक वर्ड यूज़ किया ट्रांसलेशन. दोनों में हमारे दर्शकों के लिए फ़र्क समझाइए. अच्छा, माई नेम इज़ नकुल. मेरा नाम नकुल है जी. ये इसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. ट्रांसलिटरेशन होता है माय नेम इज नकुल को अगर मैं हिंदी में लिखूं और हिंदी की स्क्रिप्ट से लिखूं, वो पढ़ेगा मेरा माय नेम इज नकुल, बट वो हिंदी में लिखा हुआ होगा. बिल्कुल, तो स्क्रिप्ट बदल जाएगी सर. करेक्ट. तो आप क्या करते हैं? हम दोनों करते हैं. ट्रांसलिटरेशन हम इसलिए करते हैं, जैसे लेट्स से इंग्लिश हिंदी का गाना है,
और उसको हमें इंग्लिश में पढ़ना है, तो वो APIs हम लोग दे सकते हैं उन कंपनीज को कि हमारा आप APIs दे सकते हो। और गूगल का API अभी बंद है। आपके कस्टमर्स कौन है और उनकी क्या प्रॉब्लम है? यूजली क्या होता है, जैसे हम लोगों ने 4 इंडस्ट्रीज को कैटर कर रहे हैं, एडटेक, ई-कॉमर्स, पब्लिशर्स एंड BFSI। तो एडटेक में जैसे अब NEP पॉलिसी आई, बहुत सारे लोग इंडियन लैंग्वेजेज में करना चाहते हैं पढ़ाई, इंजीनियरिंग इंडियन लैंग्वेज में होने वाला है, अब उन इतने सारे कंटेंट को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, क्वेश्चन बैंक्स, आंसर्स, तो हम लोग एडटेक में ये वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। बिजनेसेस के लिए हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है डोटा, जिसे हम वायु भी बोलते हैं, देवनागरी ऑन द एयर। आपकी वेबसाइट को किसी भी रियल टाइम हम लोग एक जिफ जावा स्निपेट देंगे एंड विद इन 30 मिनट्स योर वेबसाइट विल बी ट्रांसलेटेड इन टू मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस। तो आपने अपने अब तक आप जो इंग्लिश के लिए केटर करते थे, अब सारे इंडियंस को आप केटर कर पाओगे। टेक्स्ट कन्वर्जन कर, बिल्कुल सर, सिर्फ टेक्स्ट कन्वर्जन, जैसे भी आपको चाहिए। अगर आप बोलते हैं कि कोर्स कंटेंट को आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेकर जाना है, वी हेल्प यू इन बट ओनली टेक्स्ट। अभी राइट सेड, आपने बताया कि इवेंचुअली आपको वॉइस में भी जाना है, वो गाड़ी निकल चुकी। वॉइस का जो आज ट्रांसलेशन चल रहा है जी, आप एक मूवी लीजिए या एड लीजिए, वो हिंदी में चल रहा है, वही सेम एड थ्रू मशीन ट्रांसलेशन आपको इंग्लिश में सुनाई देगा एंड यू कैन नॉट टेल द डिफरेंस वेदर इट इज मशीन और ह्यूमन। तो वो गाड़ी तो निकल पड़ी भाई, कंपनीज काफी कर रही है। हाँ, इसके जो है सर बहुत सारे बिजनेस केसेस बनते हैं अगर हम वॉइस की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर सपोर्ट। तो इसी प्रॉब्लम को समझ लेते हैं, सपोज कॉल सेंटर में कॉल आई जी, वो लेट्स से मराठी में आई जी, और मेरे पास जो कॉल सेंटर में जो सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव है उसको मराठी नहीं आती, तो आप क्या करेंगे? एग्जैक्टली बिंगो, सो दिस इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, कि हम लोग एक लैंग्वेज का कॉल सेंटर खोलेंगे और फिर पूरे इंडिया में से किसी भी लैंग्वेज के अंदर अगर हमारे पास कॉल आती है, हम लोग अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर उसे जवाब देंगे। से फॉर एग्जाम्पल मुझे हिंदी आती है, आप मराठी में मुझे कॉल कर रहे हो, मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ आप जो मेरे को मराठी में बोल रहे हो। ऑन द फ्लाई सब कुछ ऑन द फ्लाई सर, बिल्कुल। आपके एल्गोरिथम में कैसे exactly. तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले डेटा सेट्स बनाते हैं, अपना AI ट्रेन कर रहे हैं, प्लस हमारे पास कम्युनिटी सपोर्ट भी है जो कि 5000 प्लस है, जो हमें एनेबल करती है कि उसको हम और ज्यादा कॉन्टेक्चुअलाइज करें। करते क्या है ये 5000 प्लस ह्यूमन ट्रांसलेटर्स, उनका रोल क्या है? जैसे कि हमारे पास कोई भी क्लाइंट हमें अपनी फॉर्मेट फाइल्स देता है, तो जैसे JSON फॉर्मेट आया, XML फॉर्मेट आया, व्हाटएवर फॉर्मेट दे यूज फॉर देयर डिजिटल पर्पसेस, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू उसे लेके जाते हैं, उसको रियल टाइम मशीन ट्रांसलेशन करते हैं एंड देन हमारी कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि इस मशीन ट्रांसलेशन को वेट करो। तो जब वो वेट करते हैं, उसके डिफरेंसेस जो आते हैं हमारे पास कि यार इसने ये चेंज किया है इस वर्ड में, और हम उसकी कॉन्टेक्स्ट की इंडस्ट्री को समझते हैं, टारगेट ऑडियंस को समझते हैं, एल्गोरिथम बिल्ड करते हैं कि यार ये अगली बार से ऐसे नहीं आना चाहिए, तो नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास वैसा सेंटेंस आएगा तो हम और परफेक्ट होंगे। तो दिस इज लाइक सेल्फ लर्निंग मॉडल व्हिच वी हैव इंप्लीमेंटेड दिस। कल मेरे को पता चला कि शार्क को हिंदी में शार्क बोलते हैं। अच्छा, देयर इज नो हिंदी वर्ड, पूरा सीजन निकल गया आपको अभी तक नहीं समझ में आया? और आपको भी हिंदी में विनीता ही बोलते हैं, सॉरी बैड जोक। यार ये साइट कैसे खोल दिया? ये आपकी साइट है? हां चलो। एंड ये इंग्लिश में है अभी। हां, मैंने एक जावास्क्रिप्ट इंसर्ट की है इसके अंदर, लेट्स सी इट। ठीक है, बड़ा ज़ूम करिए आप। लाखों सफलता की कहानियां, या success stories English में लिखा था। I know, but ये भी थोड़ा weird नहीं लग रहा? Correct, मैं I'm not saying कि मैं 100% correct। That's why I said he's 85%। Yeah, मैंने 100% बोला ही नहीं। तो पर ये वो 15% में आता है, जो इतना अच्छा नहीं है। ये जो JavaScript है आपकी, ये JavaScript तो Google भी provide करता है। जी। तो आप ऐसी क्या JavaScript provide कर रहे हैं? अगर आज अनुपम को शादी.com को translate करना है और ऊपर widget देना है translation का, तो वो आपके पास क्यों आएंगे? वो Google का लगा लेंगे और 300 स्क्रिप्ट मिल जाएंगे उन्हें मार्केट में। अगर आपका 85 है तो गूगल का भी 75% तो होगा ही ना एक्यूरेसी। क्यों नहीं भाई, लगा के उसको ह्यूमन टच डाल के 100% कर देंगे। मतलब आप अब SEO कैसे करोगे? यू नीड अ सोर्स पेज टू बी इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज, राइट? दैट आल्सो वी डू। आपके विजिटर ही नहीं बढ़े पाता क्या? सर्विस प्रोवाइड कर देंगे ऐड ऑन? नहीं, ये प्रोडक्ट में ही है। व्हाट आई विल डू इज shaadi.com आप खोलोगे इंग्लिश में तो इंग्लिश में खुलेगी, hi.shaadi.com खोलोगे तो वो हिंदी में खुलेगी, समझ? एंड इट विल हैव डिफरेंट URLs ऑल टुगेदर। तो अब एक डिजिटाइजेशन सर्विस कंपनी है, डिजिटाइजेशन सर्विसेज ऑफर करते हैं, कंज्यूमर के लिए जो डिफरेंस है वो है थोड़ा बहुत, बट जब मैं अपने बिजनेस के लिए ट्रांसलेशन कराना चाहूंगा तो आप बेटर जॉब करके देंगे। बिल्कुल सर, करेक्ट, सही बात है। तो आप गूगल से बेटर ऑन पेपर, यस, पर लॉन्गर टर्म में somebody will catch up, right? And they'll catch up automatically. Capture, जानते हो आप capture? जी।
Google can use Capture to do translation and better over time. आपका डिफरेंशिएटर क्या है? आप अपनी टेक्नोलॉजी समझाइए हमें। हम लोग कैसे आगे बढ़ाएंगे? हमारे पास ऑफ कोर्स एक ह्यूमन लेयर है जो 5000 ट्रांसलेटर्स की है। हम इनको 100,000 तक ले जा सकते हैं। अच्छा, मतलब हमने कुटुंब बनाया है, वी कॉल दिस एट कुटुंब। तो हम ये जितने भी फ्रीलांसर ट्रांसलेटर हैं, हम उनको पे करते हैं उनके काम करने के लिए। तो कुछ परसेंटेज ऑफ व्हाट रेवेन्यू वी गेट वी पे टू देम, और वो हमारे मशीन ट्रांसलेशन में एडिट करते हैं और उसी के एल्गोरिथम के बेसिस पे हम लोग उसे सिखाते हैं। और इसको हम स्केल बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने मुझे 10,000 वर्ड दिए ट्रांसलेट करने के लिए, अब मेरे को आपको उसको एक्यूरेसी चाहिए और आज ही आधे घंटे में चाहिए या एक घंटे में चाहिए, तो आई कैन डिवाइड द 10,000 वर्ड्स इनटू 10 पीपल एंड दे कैन डू इट क्विकली विद 99.9% एक्यूरेसी एंड यू कैन यूज इट ऑन योर सिस्टम। गॉट इट। तो अभी आपका विजन क्या है कंपनी का? सर, हम इंडिया की लैंग्वेज टेक्नोलॉजी कंपनी बनना चाहते हैं। अच्छा, आप क्लाइंट को कैसे चार्ज करते हो, कितना रेवेन्यू बनाते हो, ये बताइए। 2020 में जब हमने शुरू किया तो पहले साल का रेवेन्यू 2 करोड़ था, अब हम तीसरे क्वार्टर में है, हमारा रेवेन्यू 3.5 करोड़ रुपए। और कितना हो जाएगा ये साल? इसको हम 5+ कर देंगे। और आपने फंडिं IIN से ली रिसेंटली? सर, हम लोगों ने फंडिंग जो है वीकेट से और IPV से ली। IPV से ली। कितनी फंडिंग ली आपने? 4.5 करोड़. At what valuation? 24 crore. आपका सेल्स आप एग्जिट करेंगे 5 करोड़, ठीक है? ठीक है। आपको 2-3 महीने पहले वैल्यूएशन मिला है 25 करोड़ जी। आप क्या सोच के 3 महीने में यहाँ आके 100 करोड़ मांग रहे? ये जो हमारी वैल्यूएशन है ये 6 महीने पुरानी वैल्यूएशन है, 3 महीने पुरानी नहीं है। नंबर 1, इन 6 महीनों के अंदर हम लोगों ने कुछ गवर्नमेंट क्लाइंट्स को भी ऑनबोर्ड किया, प्लस हम लोगों ने कुछ OEMs के साथ भी टाई अप किया। तो ये कुछ एनहेंसमेंट्स हैं जो अपने पिछले 6 महीने के अंदर बिजनेस में किए हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि वी डिजर्व द बेटर वैल्यूएशन। आप वैल्यूएशन समझिए, वो 6 महीने में क्या चमत्कार हुआ, वो हो जाता है टेक कंपनी में, हो जाता है, कोई बात नहीं। But four times. होता है, कॉस्मेटिक्स में नहीं हो पाता, इसमें हो जाता है। कॉस्मेटिक्स कहाँ से आ गया? कॉस्मेटिक्स में भी हो जाता है। चलो बस ठीक है, अब हो गया। आपकी इक्विटी कैसे स्प्लिट है? 50-50% है सर। और अभी आपने राउंड रेज किया तो उसमें डाइल्यूट किया होगा ना? 19% डाइल्यूशन हुआ है। मुझे लगता है आप ह्यूमन डिपेंडेंट हो, ये टेक्नोलॉजी कंपनी नहीं बन रही है, ये सर्विसेज कंपनी बन रही है। आप एक ऐसा निकालो कि पीयूष जी का चश्मा डाल के कोई इंग्लिश देख रहा है तो वो हिंदी में पढ़ सके, तब जाके टेक्नोलॉजी बनेगी। तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू अनलेस आप कोई डिफ्रेंसिएशन पैदा करते हो, जो आज मुझे साफ नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं आउट हूँ। आप बहुत यंग हो, ओनर हो, आई विश यू बेस्ट। थैंक यू सर। ये बिजनेस जो है ना, मेरे हिसाब से गूगल से टक्कर लेना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गूगल आया, मतलब आई विल फाइट यू, इट्स अमेजिंग, यू नो, बट इसमें ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा अभी, फॉर दैट रीजन आई एम आल्सो आउट। मुझे एट दिस मोमेंट ये थोड़ा रिस्की बिजनेस लगता है, सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। तो देखो, मुझे क्या लगता है कि अभी जो आप बिजनेस कर रहे हैं वो एक सर्विसेज बिजनेस है, और कोई बुराई नहीं है, ये प्रॉफिटेबल बिजनेस होना चाहिए, बहुत बड़ा होना चाहिए, पर मुझे आज इससे बाहर होना पड़ेगा, बिकॉज वो स्केल करने के लिए जो है ना बहुत टाइम लगेगा और कंपटीशन आ सकता है। अभी तक मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 3 ही टेक्नोलॉजी कंपनीज है, तो मैं ठान के आई थी कि और एक टेक्नोलॉजी कंपनी लेनी है, और आपका लेनी है भाई, डर संभालना, इनको लेनी है, इन्वेस्ट करना है। अच्छा, मैं ऑफर देती हूँ। Oh wow! So basically, I'd like to give you 50 lakhs in equity for 2% and 50 lakhs in debt for 12%. Achieve. I think we have to talk once. It's a good offer. ये तुम लोगों को क्या हो गया आज? पहले बताओ, आपको सही लग रही है valuation please? बोलिए। Because आप सबने हमें service company बना दिया national television पे। आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है कि जस्ट बिकॉज आप सोच कर आए थे कि आज एक टेक्नोलॉजी कंपनी लेकर जानी और इसलिए देवनागरी में यू आर इन्वेस्टिंग? तो ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट सुबह जाके और बोला आज मुझे टेक्नोलॉजी कंपनी चाहिए। आई थिंक जेन्युइनली मैं मेरे कंपनी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करती हूँ। मेरे 600 R&D टीम है, करेक्ट, और हम 70 कंट्रीज में है। बहुत बार जब हम स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में जब हमारे R&D डॉकेट्स आते हैं, तब ट्रांसलेशन उनका जो एक कॉम्प्लेक्सिटी होता है, माय R&D टीम फेसेस दैट। बाकी आपकी मर्जी टू
decide whether you want me as an investor or not. Completely your call. So can we do this at 1%? 50 lakh at 1%? Because that would be double valuation. क्या आप हमें कुछ business commit कर सकते हो? No, no, absolutely not. अच्छा try था. Try मानना बनता है. You should always be hustling and selling, my friend. But I also have to be honest with you. हमने जिस दिन start किया था उस दिन पता था कि हम Google से पंगा ले रहे हैं, बट हमें आदत है, लगता है कि हम करके दिखाएंगे. अच्छा सुनिए, आप जल्दी डिसीजन बनाइए. आई थिंक शार्क, आपसे वी शुड से सॉरी, वी कैन नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर. श्योर, योर डिसीजन. दिल तोड़ दिया यार. थैंक यू. थैंक यू एंड विश यू द वेरी बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. Thank you. Thanks for coming, guys. Thank you. This was pretty amazing. क्योंकि ये सब जो आज entrepreneurs आए हैं, वो episodes देखने के बाद उन्होंने हमें present किया है. तो कुछ अलग ही feel आया. मुझे तो लग रहा है वो सीख भी गए कि sharks की कैसे बात करनी है, क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है. I think next season में they'll be smarter than some of us also. Because वो store my goods was very clear. He wanted Piyush. जैसे वो speaker वाला मेरे लिए आया था, तो ऐसे ना सबको पता है. सब तेरे लिए आते हैं. ठीक है, सॉरी सॉरी, हम भी तेरे लिए आते हैं. But I'll tell you, ये जो हमने category creation किया है Shark Tank India के साथ, और इसके साथ जो एक you know movement हुआ है इंडिया में ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप बिकमिंग डिनर टेबल कॉन्वर्सेशंस, मजा आएगा. तुम देखो सीजन टू तक क्या कमाल होगा. इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप का तो कमाल हो गया. दे हैव लर्न्ड सो मच. लेकिन अपना क्या हाल होगा यार, सारे डील में पैसे डालने पड़ेंगे ऐसे एंटरप्रेन्योर आने लगे. हम भी बता देंगे, बोलना. It's good for the country. नहीं अनुपम, आपको सब में नहीं डालने पड़ेंगे, हम हैं. नहीं मैंने कहा हम. बाकी मेरे को तो नहीं लगता हम सब में से किसी को डालने की जरूरत पड़ेगी. नमिता अकेले ही कर लेगी. नमिता तो आज फॉर्म में, वो खुद ही अलग लग रही है इस बार.